story of the day. Mawa Moy, the ethics parliamentary ethics panel committee in fact has adopted the resolution calling for expulsion of Mawa Moy. Vinod Sonkar, ethics committee chairperson, is patched on the phone line with us right now. Vinod Sonkar ji, agar aap hame bata payenge ki ye ethics panel meeting mein exactly kya hua, hame pata hai bahut hi choti meeting rahi aapki, agar aap details de payenge ki kya resolution aapne adopt kiya hai aur meeting mein kya hua hai. देखिए, आज के मीटिंग का एजेंडा केवल एक था. आज के मीटिंग का एजेंडा केवल एक था कि जो महुआ मोत्रा पे आरोप था उसकी जो विस्तृत जांच की गई थी, उस जांच को, रिपोर्ट को अपने सिफारिशों के साथ एडॉप्ट करना था. इसलिए मीटिंग छोटी हुई और कमेटी ने बहुमत के साथ रिपोर्ट को एडॉप्ट करके अपने प्रस्ताव के साथ माननीय लोकसभा स्पीकर को अगली कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है. क्या आपने, विनोद सोनकर जी, क्या आप हमें बता पाएंगे कि यार क्या ये रिपोर्ट आपने ऑलरेडी स्पीकर को, स्पीकर के ऑफिस में सबमिट कर दी है कि अभी करने वाले हैं? नहीं, अभी जब पूरा प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया है तो कुछ प्रक्रियाओं के बाद ये आज रात तक नहीं, कल माननीय लोकसभा स्पीकर को ये रूपे सौंप दी जाएगी. जी विनोद सोनकर जी, आप हमें बता पाएंगे कि कुछ पार्ट्स हमें पता है रिपोर्ट के, ये रिपोर्ट कितने पेजेस की है और रिपोर्ट में और क्या क्या मेंशन, जो आपने सीरियस मिसडिमीनर के बारे में जो बात की है रिपोर्ट में, अगर आप विस्तार से हमें बता पाएंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है? देखिए, संसदीय समिति की अपनी कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत मैं आपको कुल इतना कह सकता हूं कि महुआ मोत्रा पे जिस प्रकार के आरोप थे उसको विस्तृत जांच करने के बाद, सभी पक्षकारों का बयान दर्ज करने के बाद, इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट के अपने प्रस्ताव के साथ कमेटी ने बहुमत के साथ माननीय लोकसभा स्पीकर को प्रेषित किया है. ऑपोजिशन, चार ऑपोजिशन एमपीज ने डिसेंट नोट दिया था इस ये रिपोर्ट के बारे, ये रिपोर्ट रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट, अगर आप हमें बता पाएंगे कि उस डिसेंट रिपोर्ट में क्या आपने उसको कंसिडर किया, उस डिसेंट रिपोर्ट में क्या लिखा था एग्जैक्टली? देखिए, फिर मैं कहूंगा संसदीय समिति की अपनी कुछ मर्यादा है, लेकिन उस डिसेंट रिपोर्ट के साथ पूरी जो जिन माननीय सदस्यों ने डिसेंट रिपोर्ट दी है उन सभी को सबमिट करते हुए और प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय लोकसभा स्पीकर को भेजा जाएगा. अगला निर्णय माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय को लेना है. जी विनोद सोनकर जी, अगर आप हमें बता पाएंगे कि स्पीकर ये जब आप, अगर आप बोल रहे कि कल सुबह तक ये रिपोर्ट स्पीकर के ऑफिस में जा पाएगी, तो अगले एक्शन के लिए द नेक्स्ट स्टेप, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक फॉर द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि एथिक्स कमेटी को जो काम माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा दिया गया था, लोकसभा एथिक्स कमेटी द्वारा उसकी विस्तृत जांच करके पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट अपने प्रस्ताव के साथ मैंने लोकसभा स्पीकर को भेज दिया है. आज से लोकसभा एथिक्स कमेटी का काम पूर्ण होता है. अब जो भी निर्णय लेना माननीय लोकसभा स्पीकर को. विनोद सोनकर जी, एक फाइनल क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो. As per sources, our sources are in fact telling us that in the dissent report, the opposition MPs ने ऐसा कहा है कि दर्शन हीरानंदानी का examination ठीक से नहीं हुआ. इस charge पे आपका क्या response होगा? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, जब पूरी report देश की पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत होगी और उस report को आप देखेंगे तो कमेटी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी विस्तृत जांच किया है और कमेटी के सामने जिनको बुलाने की आवश्यकता थी नियम कायदे के अनुरूप उन लोगों को बुलाया गया, उनसे पूरी बात सुनी गई, उनके बयान को दर्ज किया गया है. आगे कार्रवाई माननीय लोकसभा स्पीकर पर. Thank you very much, Mr. Vinod Sonkar, for joining us on Republic TV and giving us details of the entire investigation as far as the Mawa payoff scam is concerned.